एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी आश्चर्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने और हथकरघा के विषय पर विस्तृत चर्चा करने नेमावर पहुंची। हेलीकॉप्टर से अपने तय समय से 10 मिनट पहले पहुंची ईरानी करीब ढाई घंटे तक नेमावर जैन मंदिर परिसर में रही। वहीं आपको ये भी बता दें कि ईरानी पूरे कार्यक्रम में बहुत ही सादगी में दिखी। उनके लिए ट्रस्ट ने सोफे पर बैठने की व्यवस्था की थी, लेकिन ट्रस्ट द्वारा आग्रह करने पर ईरानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में संतों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठना शोभा नहीं देता और वह आमजन के बीच ही बैठी रही। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा ने मंत्री का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा कि अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए मानवता को परिभाषित करने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी और मुनि संघ का आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ। आचार्य श्री के प्रकल्प के माध्यम से हिंसा के अवगुणों को लेकर भी जेल में बंद कैदी अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए हथकरघा के माध्यम से संतों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। वहीं प्रवचन के दौरान विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। हमें किसी देश को आदर्श मानकर काम नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति में वापस लौटना है। उन्होंने कहा कि हमें भारत को आगे बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति में पुनः लौटना है। भारतीय अर्थशास्त्रियों के भरोसे ही अमेरिका अपनी मंदी से उभरने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ है। हम राष्ट्र के प्रति आस्थावान और समर्पित होकर रहेंगे तो देश को कोई हिला नहीं पाएगा। भारत वासना विलासिता को नहीं बिल्कुल उपासना और साधना को पूछने वाला देश है। नियम ये है, संस्कार ये है कि आचार्य के संरक्षण के लिए आचार्य के सानिध्य में मानव खुद चलकर आता है, लेकिन कलयुग में दुस्साहस करते हुए कि आपके चरण राजधानी में पड़े तो हम भी चलते हैं। स्मृति जी, ईरानी साहब हमारे बीच आचार्य भवन का आशीर्वाद बताने बहुत बहुत बधाई धन्यवाद उनके लिए। नमस्कार। आचार्य श्री, नियम ये है, संस्कार ये है कि आचार्य के संरक्षण के लिए आचार्य के सानिध्य में मानव खुद चलकर आता है, लेकिन कलयुग में दुस्साहस करते हुए कि आपके चरण राजधानी में पड़े तो हम भी चलते हैं। स्मृति जी, ईरानी साहब हमारे बीच आचार्य भवन का आशीर्वाद बताने बहुत बहुत बधाई धन्यवाद उनके लिए। शिक्षा का आशीर्वाद हमारी बेटियों को दे रहे हैं। हथकरघा के माध्यम से सूत को कात के संस्कार भरा वस्त्र निर्मित कर रही है। आपने जो मार्ग दिखाया उस पे चल के शिल्प की दुनिया के लोगों को जोड़कर भारत के भविष्य का वो अपने हाथों से निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्र नीति के इस पथ पर हम सदैव चले, ऐसा आशीष आप से आज मैं हम सब के लिए मांगती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। जब मुनिवर मुझसे पूछ रहे थे कि नेमावार कब आना होगा, मैंने कहा आप तभी पाएंगे जब आचार्य जी की इच्छा होगी। आज आपने उस इच्छा के माध्यम से संकेत ऐसा दिया कि मुझे आपका शुभाशीष प्राप्त हुआ। ये आशीष सदैव माथे पर रहे। आज आपके श्री चरणों में आपसे यही आशीर्वाद मांगती हूँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।